بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الناس وقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين हर किस्म की तारीफ हमदो फना सारी आज़मत किबरियाई बड़ाई मुकम्मल इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल वाहिद ला शरीक के लिए लायक इस्तेहक़ाक है जो इस सारे जहाँ का हकीकी मालिक और खालिक और राज़िक़ और हाकिम और मुदब्बिर भी है जिसके तरफ सारे कायनात की मदद की पुकार हक होती है क्योंकि वो एक ही हकीकी मददगार पालनहार मुश्किल कुशार हाजत रवा और नाफ़िरवार की सिफात का हामिल है और उस अल्लाह दुल जलाल के अलावा सब के सब उसी के बंदे उसी के मदद के फ़कीर मुहताज रहते हैं। अभी आपके सामने सूरह निसा सूरह आल इमरान की आयत नंबर 140 और उससे कबल की आयत और सूरह मुआन की पहले शुरुआत के तीन आयतें आपके सामने पढ़े गए जो इंशाअल्लाह ताला आज के मज़मून खुतबे जुमे का अनवान इसी के तहत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों को कुरान मजीद में मुख्तलिफ रिसाले के बारे में भी दिया है और पैगाम भी अंबिया किराम के ज़रिए कि अल्लाह की वहदानियत कायम करो और अल्लाह से शिर्क कभी नहीं करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो क्योंकि अल्लाह की बंदगी करने का मकसद आपकी ज़िंदगी में मौजूद है तो बंदगी उस तरीके से किया जाएगी जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद और हिदायत और सुन्नतें बताई। मगर मामला यहाँ पर कुछ और दूसरी चीज़ों में नज़र आ रहा है कि तौहीद वाले तौहीद के अलमदार लोग तौहीद का एज़ाज़ लेने के बावजूद वो तौहीद को मुअज़्ज़ज़ करने में कुछ महफिलों में कुछ मुकामात पर नाकाम रह चुके हैं और उसकी सबब और उसकी वजह आज हम उसको तदारुस करेंगे इंशाअल्लाह। मामला क्या है? मामला हमारी दावत अजीज़ है मगर उसकी इज्जत के लिए हमने कितनी फिक्रमंदी की और कितना इस चीज़ का एहसास किया है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला को हमने जिम्मेदारी दिया है ताकि ये जिम्मेदारी को निभाया जाए। आयत क्या थी और मामला क्या है? आप देख सकते हैं कि कुछ आयात कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसमें
मुहिदीन के लिए भी कोई खसूसियत नहीं दिया है, मगर सबको एक आम कैटेगरी में काउंट किया है। वो असल चीज मामलादारी के अंदर ताल्लुक रख रही है, मगर वो मामलादारी भी मुनहसर हो गई ईमान पर। अल्लाह ताला ने उस ईमान से जुड़ाया है। सूरह मामून में जो आयत पहले आप सुनते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। हमारे पास ईमान के छह हिस्से होते हैं, छह पिलर हैं, ईमान अल्लाह पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, पैगंबरों पर, आखिरत पर और तकदीर पर। मगर अल्लाह सुब्हान व तआला इस सूरह की शुरुआत में क्या फरमाए, क्या आपने देखा है अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, वो शख्स का हाल जो क़यामत के सजा और जजा को इनकार करता है, ईमान ही नहीं लाया है। क्या आखिरत पर ईमान जो नहीं लाया वो ईमान वाला नहीं हो सकता? ये अल्लाह ताला इस आयत की शुरुआत में बता रहे हैं कि आपने उसका हाल नहीं देखा। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, झूठ लाता है, इनकार करता है सजा जजा के मामले के अंदर, यानी कि उस बात को नहीं मानता है। और हमारा हिस्सा ईमान का तो है इस पर, और इसलिए दीन हमेशा आप सूरह फातिहा में भी पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन, यानी कि सजा और जजा का दीन का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला करने के लिए क़यामत के रोज बंदों के दरमियान फैसला करेंगे। तो इस आयत की शुरुआत में अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उसका हाल नहीं देखा जो झुठलाता है सजा और जजा को, तो उसके सुलूक और रद्द अमल और उसकी पहचान क्या है? फ़ज़ालिकल लज़ी यदुल्लु यतीम, ये यतीम और कमजोर तबके का देखभाल नहीं बल्कि इनके साथ भी सख्त रवैया और इनके दुख पे दुख बढ़ाता है, और उसके साथ कोई हमदर्दी और नरमी और शफ़क़त की नजर नहीं रखता है। वला यहुद्दु अला ताआमिल मिस्कीन, और ना वो मिस्कीनों का ख्याल करता है और ना मिस्कीनों को मदद करने वालों की हिम्मत अफजाई जुड़ाता है। क्या ये पहचान उस शख्स की है जो आखिरत पर सजा जजा को नहीं मानता है? ये अल्लाह ताला पेश कर रहे हैं इस शक्ल की आयत कि आपका ईमान हो तो आपका अमल और ये चीज आपके अंदर पैदा हो जाती है। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत बड़ा सबक है जो आज उम्मत के अंदर उसके अंदर बेरुखी और थोड़ा सा रवैये में तब्दीली महसूस हो रही है उम्मत मुहम्मदिया के अंदर। वो क्या है? टूटे हुए बेबस को तसल्ली और जुड़ाकर उसकी हिम्मत अफजाई करें, अल्लाह से उसको पाव जुड़ाएं और उसके साथ रहम और शफ़क़त दिलीज़ के साथ पेश रफ्त करें। आपको मालूम है ये सुलूक अल्लाह ताला इसके ऊपर बहुत जोर दिया है और इसके ऊपर ईमान की पहचान का मोहर लगाया है कि आप अगर ईमान रखते हैं सजा तो आप यतीम का देखभाल करेंगे और मिस्कीनों का ख्याल करेंगे। और इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीथ भी बेशुमार आते हैं कि दिलों को जब टूटी और बेबसी हालत आ जाती है तो शैतान उसी और नाउमीदी की तरफ लेकर जाता है, मगर ईमान वालों का माहौल और गैदरिंग ईमान की अफरोज करते उसको नाउमीद से बाहर कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये शफ़क़त और रहमदिली, मिस्कीनों का देखभाल करना, फ़कीरों का देखभाल करना, उनका हेल्प करना, उनकी ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करना, ये एक ईमान की पहचान है जो आखिरत पर सजा जज़ा पर ईमान रखता है। यही सुलूक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अफराद के साथ किया करते थे, यही सुलूक अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उम्मत मुहम्मदिया के साथ भी पेश किया है। इसके कईयों दलाइल है कुरान में, हम क्योंकि मुख्तसर बात करना चाहते हैं ताकि कोई समझ में आ जाए। जंग उहद में सहाबा किराम जो जबल रुमात पे तीर मारने वाले पहाड़ पे जो 50 आदमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था, उनमें से 40 सहाबी ने नबी के हुक्म के खिलाफ और जगह के पहाड़ छोड़कर उतर गए। नतीजा क्या हुआ? 70 सहाबी शहीद हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए। मुसलमानों का जो दबदबा जंग बदर के बाद जो हो चुका था अरब जमीन में कि ये भी एक बहुत बड़ी ताकत, लोग इस्लाम की तरफ आ रहे थे,
तो देखे कि नबी रहने के बावजूद मुसलमानों की शिकस्त हो गई, यानी कि मामला अभी ठहरना पड़ता इस्लाम की तरफ आने से पहले। बहुत से उमूर हुए, अब जंग की खत्म ये आए, मुसलमानों की हालत देखेगा बिल्कुल टूट गए, उनके अंदर एक मायूसी। एक इंसान जब फेल हो जाता है, ईमान वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह से उम्मीद रखकर कोशिश दुआ करते हैं, काफिरों ने जब दुनिया के एक डिग्री या रैंक नहीं आता है, खुदकुशी कर लेता है, अल्लाह महफूज करे हमको ऐसी आफतों से। तो ये देखिए अल्लाह सुब्हान तआला इस दिलों की हालत को पहचानते हुए किस तरीके से उसको सुलझाते हैं और अल्लाह सुब्हान तआला उसके दिलों को तसल्ली और उम्मीद दिलाते हैं। ये हालत में हर मुसलमान जंग वहद के बाद शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि नबी को जख्मी होने की हालत में पहुंचा, शहीद हुए, सर पे जख्म हुए, गिर गए, क्या ना जाने कितने सहाबा शहीद हो गए, बुरी तरीके से दबदबा और ऐलान हुआ है मुशरिकीन की जीत का ऐलान। सहाबा किराम की दिल की कैफियत क्या है इस वक्त आप अंदाज लगा सकते हैं। आयत कर रही है वही आयत जो आपके सामने में पहली शुरुआत में पढ़ा था, वला तहिनू वला तहजनू, ऐ ईमान वालों तुम लोग अपने आप को तौहीनी पोजीशन पे मत देखो, कमतर एहसास से अपने आप को मत देखो, और ना तुम गमजदा हो, वला तहजनू वल अअलू, जमीन पर तुम ही बुलंद ऊंचाई हो अगरचे तुम ईमान वाले हो, व अंतुम इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला उनके की हालत को देखकर देखिए किस तरीके से तसल्ली और हिम्मत अफजाई जो आ रहा है। उसके बाद की आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, इयमसस्कुम क़र्हुन फ़क़द क़र्हुन मिथ्लुह, अगर तुमको आज तकलीफ चोट इस मैदान के तो इससे पहले आप लोगों ने दूसरों को शिकस्त दिया था, जब वो लोग भी वही जख्म खाए थे, फ़क़द मस्सल क़ौम क़र्हुन मिथ्लुह, इस तरह और इस तरीके से उतार चढ़ाव ऊंचाई पेशी जिंदगी में एक एक के साथ जुड़ी हुई रहती है। जैसा कि दूसरी आयत में भी आई अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाए, अगर तुमको दर्द तकलीफ होती है, सहते हैं जख्मों से, मेहनत मशक्कत से, अल्लाह की राह में अपने आप को मैदानों में जागे भागे दौड़े, धूप गर्मी भूख शिद्दत मुख्तलिफ हालात से आप मेहनत कोशिश करते हैं, जख्मे बर्दाश्त करते हैं, तो अल्लाह ताला क्या फरमाए, फइन्नहुम यअलमून कमा तअलमून, आगे वाला दुश्मन भी वही सहता है जो सहते हैं, उसको भी जख्म होते हैं, दर्द तकलीफ मेहनत करता है वही धूप की गर्मी में, फर्क क्या है दोनों में, वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, तुमको अल्लाह से उस चीज की उम्मीद है कि दुख और जख्म और दर्द के बदले अल्लाह आपके गुनाह यही माफ फरमाएगा, और अगर दुनिया से इख्तिताम होते हैं तो आपके लिए जन्नत है। ये बात अल्लाह ताला दे रहा है, हम अपने मामले सुलूक को सही नहीं करते हैं, अपने भाइयों के दरमियान अपने बाजू को झुकाते नहीं, ऊंचापन और फौकियत दिखाते हैं, ये कोई मोमिन के अखलाक नहीं। यतीम की देखभाल ही नहीं, उसका माल लूटने वाले ज्यादा है बनिस्बत देखभाल करने वाले, यतीम के सर पे मसह कर कितनी नेकी और कितनी फजीलत है, क्यों उसको क्या एहसास दिया जा रहा है कि उसके साथ चाहने वाले, उसका केयर करने वाले, ख्याल करने वाले मौजूद हैं। वो मैसेज देने पर इस्लाम उस पर नजर अज़ीम रखा है। आज अल्लाह ताला यही तो बताए, फज़ालिका अल्लज़ी यदउ अल्यतीम, जो सजा जजा के दिन को नहीं माना वो खैर में कभी आगे बढ़ा ही नहीं, वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन, उसको अपने खाने पीने की फिक्र ज्यादा है बनिस्बत मिस्कीन गरीबों को देने से। इसे अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में क्या इरशाद फरमाए, इन्नमा तुनसरून व तुरज़कून, अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी रोटी में ज्यादा खुशादगी करता है कब, जब तुम में अपने गरीब कमजोर लोगों का देखभाल करते हुए आप उसका ख्याल करते हैं, रिज़्क़ की खुशादगी खुलती है। मगर जितना आप हाथ तंग करके रोकेंगे उतना ही आपका मामला है रुका हुआ रहता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में अल्लाह ताला नबी पर उनकी दुखी हालत का एहसास दिलाते हुए, अलम यजिद के यतीमन फआवा, अल्लाह ने आपको यतीम हालत में पाया तो आपको पनाह नहीं दिया आपके दादा और चाचा के पास, वजदक दाल्लन फहदा,
आप गुमराही में परेशान हो रहे हैं कि आखिर दुनिया कौन बनाया, कैसा चल रही, बगैर हिराम महीनों में बैठकर गौर फिक्र करते परेशान हैं कि आखिर क्या है ये लोग कर रहे हैं, इसको कितना गलत कर रहे हैं, तो अल्लाह ने आपको हिदायत दिया। अल्लाह ताला आपको कसीर उल्याद देखा है, जिम्मेदारी बड़ी है, हालात तंग है, अल्लाह ताला ने खदीजा से निकाह करवाया, जिंदगी के कुछ उम्र में आसानियां आपके लिए पैदा किया। فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, लिहाजा आप यतीम के साथ कभी उसको दिल पहले से दुखा हुआ है उसको मजीद दुख मत पहुंचाइए। وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, गरीब मिस्कीन मांगने वाले को झिड़की से और उसके साथ रूडली मत बिहेव करें। وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, अल्लाह की नेमतें आप पर जितने आए उसी की तारीफ उसी की शुक्र अल्लाह लोग के सामने इजहार करो कि ये अल्लाह का फजल करम एहसान है। चले एक बहुत बड़ा वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुजरा था, काफ़ी दिल को एहसास जगाता है क्योंकि टूटे हुए दिलों को बुरे वक्त में आप पहुँच कर उस दिल की मिजाज कुर्सी, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है ऐ मेरे बंदे मैं बीमार हुआ तू मेरी इयादत कुर्सी के लिए नहीं आया, तो बंदा कहता है या रब वकैफ अऊदुक व अंत रब्बुल आलमीन, मैं तेरी इयादत कैसे करूं तू रब्बुल आलमीन है, तो अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं अमा अलिमत अन अब्दी फलाना कद मरिद, क्या तुझे मालूम नहीं हुआ मेरा फलान बंदा बीमार पड़ा था, अमा लव ज़ुरतह, अगर तू उसकी इयादत कर ले मुझे उसी के पास पाया जाता था, अब दिस्ता पान तू कफलम तो तुम्हें, अरे मेरे बंदे तुझसे मैं खाना है ताम मांगा तूने देने से इनकार कर दिया, तो बंदा कहता है या रब वकैफ तुमको वान था रब्बुल आलमीन, तू ही रब्बुल आलमीन है तुझको कैसे इताम करूं, قال انا علمت ان عبدي فلانا استطعمك, मेरा फलान बंदा तुझसे मदद मांगा था कुछ भूख बुझाने के लिए तूने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, उसको खिलाने से, अगर तू उसको देता खाने की चीज खिलाता लवजदत ذلک عندي, तो वही चीज तुझको मेरे पास मिल पाती। फिर अब استسقيتك فلم تسقني, मेरे बंदे तुझसे पानी मांगा तूने पिलाने से इनकार कर दिया, तो बंदा वही पूछता है या रब कैफ اسقيك وانت رب العالمين, तो अल्लाह ताला वही जवाब देते हैं अगर तू मेरे बंदा फलान तुझसे इस्तिस्का किया मांगा पानी तूने देने से इनकार किया, अगर तू उसे पिलाता तो वही चीज मुझ मेरे पास तुझको पाए जाती। तीन मामले हुए, खिलाना पिलाना, मरीज की इयादत करना। खाने पीने के मामले में अल्लाह ताला कह दिया है कि आपको उसका अजर और सिला और वो नेकी मेरे पास मिल जाती थी, मगर मरीज क्योंकि मरीज का दिल बेबस हो चुका है, टूटी हुई हालत में बिस्तर से उठने का दूसरा चारा नहीं, इसलिए अल्लाह वहीं पर मौजूद होते हैं, जाइए उसकी मिजाज कुर्सी कीजिए। गौर करें मतलब को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला भी इस तेरे पास सबर से हट के दूसरा चारा नहीं, और अल्लाह ताला सबर करने वालों का साथ। तो लिहाजा आप हमारे अंदर एक चीज को जरूरी एहसास करें और समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया, घरों के अंदर ना जाने और माहौल के अंदर ना जाने कितने लोग कितने रूड अल्फाज और बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं घर वालों के, चाहे औरतें रहे बच्चे रहे भाया अपने ईमान वाले रहे, ऐसे जुमले और से दुखी की बात के दिला तोड़कर दिलों को चिकनाचूर कर देते हैं और फिर जुड़ाने की बात तो दूर तक भी नहीं महसूस करते हैं जैसा कि कुछ गुनाह ही नहीं किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ा बहुत प्यारा और दिलचस्प है और इसमें एक बहुत बड़ी तालीम और तरबियत दी जा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का का फतह करने के बाद बेशुमार लाखों हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हो गए, फिर मक्का के फतह के एक तीन हफ्ते के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की जंग पे चले गए हुनैन, वहां पर बड़ा फतह हुआ और बहुत से माल गनीमत लाखों में आ चुकी है, गायों में बकरियों में मुख्तलिफ दौलत में गनीमत में, तो इतना ज्यादा माल इतना ज्यादा दौलत इस्लाम की गनीमत में आई है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो माल गनीमत और वो बकरियां ऊंटा गायें जो कुछ भी थे ज्यादा से ज्यादा उन लोग को बांट रहे थे जो मक्का के नए नए मुसलमान हुए हैं, उनको इस्लाम से अभी उल्फत जुड़ाव नहीं हुआ है, तो ये लोग के दिल में जब दुनिया भी मिल जा रही है अरे इस्लाम भी मिला फिर दुनिया भी इतनी खुल के आ गई
ये कितना अच्छा दिन है, बरकत वाला दिन है। एक मिजाज बनता है बदू लोगों का, जाहिलों का, जो देहाती लोग रहते हैं वहाँ के बदू जिसको कहा जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी माल गनीमत अक्सर बेशतर सिर्फ मक्का वालों को बांटना शुरू कर दिए और उन्हीं को ही दिए। मदीना के अंसार जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देते हुए आए, उनके दिल में एक मकूलत, एक बात उठ गई, चलो अब रसूलुल्लाह के लिए हमारी क्या ज़रूरत है, उनको जितनी हमसे ज़रूरत थी हो गई। लक़िया मुहम्मदुन अहला, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीज अहबाब से तो मिल चुके हैं, वो लोग भी उनके दीन में आ चुके हैं, अब वही अजीज रहेंगे, हमारा क्या मुकाम है, हम तो डिग्रेड हो गए, नीचे हो गए, अब हमारी जरूरत ही नहीं रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात सुनने में आई और ये एहसास आया है कि मदीना अंसार के दिलों में एक कमतर एहसास आ गया है, दिल थोड़ा सा छोटा हो गया है और बिल्कुल एक तंगी महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बात जाहिर हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार नहीं करे, फौरन अंसार को जमा किए, एक जगह इकट्ठा किए और ठहर कर बयान देने शुरू कर दिए, या मैशर अल अंसार, ऐ अंसार के लोग, मा मकूलत बलगतनी अनकुम, क्या बात है, तुम्हारे तरफ से कुछ बात सुने आ रही है मुझे, अमिन अजली लुआतिन मिन लुआत दुनिया, क्या दुनिया के एक टुकड़ा मैंने ऐसे लोगों को दे रखा हूं जो उनका इस्लाम और ईमान का भरोसा, उनको मजबूती दिलाने के लिए मैंने उनको दिया हूं और तुम्हारे ईमान पे मैंने भरोसा किया, क्या यही मेरी गलती है। या माशर अल अंसार, ऐ अंसार के लोग, अमा कुंतुम दुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बी, क्या तुम लोग गुमराह नहीं थे, अल्लाह ताला ने तुमको मेरे बदौलत हिदायत के रास्ते पे लाया। अमा कुंतुम आदान फअल्लफल्लाहु बैनकुम बी, क्या तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, जो एक दूसरे के साथ जंगा सालों साल चलते जा रही थी औस खजरज की, और अल्लाह ने तुम सबको इकट्ठा और मिलाप में मेरे बजरिए लाया। तो वो अंसार सिर्फ एक ही जुमला सर झुका कर कहने लगे, लिल्लाह व रसूलिल फज़ल वल मिन्ना, अल्लाह रसूल का फजल और मिन्नत और एहसान है, अल्लाह रसूल का एहसान है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश नहीं बैठे, फिर जुमले में इजाफा करे, या माशर अल अंसार अजीबू, ऐ अंसार के लोग मुझे जवाब दो, तो लोग कुछ जवाब नहीं दिए सिवाय अल्लाह रसूल का फजल और एहसान है हम पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से जवाब दिए और उनकी दिल की बात को बाहर निकाले और कहने लगे, या माशर अल अंसार वल्लाह लो कुलतुम लसदक्तुम वसदक्तुम, ऐ अंसार के लोग अल्लाह की कसम अगर तुम जवाब भी देंगे तो तुम सच्चा जवाब देंगे और सच को मानने के लिए मैं भी तैयार हूं। तुम लोग कह सकते थे ये बात, अतैतना करीदन फआवैना, तुम डरते भागते हुए जान बचाने के लिए अकेले आए, हमने आपको पनाह दिया। अतैतना मखदूदन फनसरना, आपकी खानदान और रिश्तेदार और आपके मक्का वाले आपको बहुत रुसवा करे, हमने आपको एजाज दिया। आपको वो लोग हर चीज से छीन कर रहे माल दौलत से, हमने अपने माल दौलत लगाया आपके साथ। आप लोग ये बात कह सकते थे और उस सच्चाई को मैं मानने के लिए। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की गहराई तक पहुंच रहे हैं और दिल को बेबस छोड़कर नहीं जा रहे हैं। उसके बाद के जुमले को गौर कीजिए, इलाजी जुमला और दिल को एक भरपूर हौसला दिला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या माशर अल अंसार अमा तरदून अन यذهب الناس بالشات والبعير وتذهبون انتم برسول الله, क्या अंसार के लोग, क्या तुम्हें ये तकसीम और ये बटोरा तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं समझ में आ रहा लोग ऊंट बकरियां गाया लेकर चला जाए और तुम लोग रसूलुल्लाह को लेकर चला जाए अपने हिस्से। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम रोने लगे और कहने लगे, रबीना बे रसूलुल्लाह नसीबन व कसमा, हमारे हिस्से में रसूलुल्लाह है तो सबसे बड़ी बरकत हमारी ही है। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमला देकर क्या दिलों की हालत कर दिए हैं। देखिए, या माशर अल अंसार لو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا فسلكت شعب الانصار, अगर सारी दुनिया वाले एक वाली एक रास्ता चुन ले और अंसार एक दूसरा रास्ता चुन ले तो मैं ये अंसार के रास्ते पे ही चलने वाला हूं, उनके साथ ही जाने वाला। अल्लाहु अगफिर लिल अंसार, ऐ अल्लाह ये अंसार की मगफिरत कर दे, उनके बेटों की पोतों की कितनी दुआएं दिए, वो लोग खुशी के मारे आंखों से आंसू और दिलों में भरपूर दौलत लेकर खुश और राजी हो गए।
अल्लाह के नबी हमारे हिस्से में आए तो इससे बड़ी किस्मत और क्या हो सकती है हमारी। आज हमारी उम्मत के लोग कितने अपनी जिंदगी में नबी की सुन्नत को बुलंद करने के लिए गाफिल है और वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। कितने लोग हमारी उम्मत में तौहीद की दावत को जानते हैं मगर सुलूक और मामलादारी से मुहिद को रुसवा कर देते हैं कि मुहिद बेमानी करता है, झूठ कहता है, लोग के साथ हमदर्दी नहीं करता है, यतीम मिस्किन का ख्याल नहीं करता है। कितने बड़े पैगाम दे रहे हैं हम लोग अपने सुलूक से। लोग काफिर लोग और गैर लोग कुरान को नहीं पढ़ते हैं, सुन्नत को नहीं पढ़ते हैं, आपको जरूर पढ़ते हैं कि आप कैसा सुलूक मामला करते हैं। ये चीज को अपने अंदर जगाइए और एहसास कीजिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला इस मामलात में ही जहन्नम का फैसला भी रख चुका है। मुवहिद रहो या नहीं रहो, वैलुन लिलमुतफ्फिफीन, जहन्नम की बड़ी वादी के हवाले हलाक हो जाएंगे जो अल्लज़ीन रक्तालु अलन्नास यस्तौफून, जो कारोबार करने के वक्त तुलनापी में धोखा देते हैं। सिर्फ तुलनापी नहीं, जमीना घरा वारिसिन के जायजात और उसके हुकूक और ना जाने कितनों में तुलना धोखे में खरीदो फरोख करते हैं झूठ कहकर कि मुझे इतने पड़ा इतने देता हूं, उस पे झूठे कस्में खाते हैं। हमारे बाजार और मार्केट और मामलादारी अगर ऐसी रही तो अल्लाह ताला जहन्नुम का वाली बता दिया है उनके लिए। وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, जब कोई सौदा करते हैं तो अपना मफाद परस्ती के लिए आगे वाले को धोखे में और धोखे की चीज बुराई को छुपा कर दे देते हैं, उसको चिपका दिए, उसको टोपी पहना दिए। अरे भाई, आप ही अपने आप को जहन्नुम के गड़े और वादी के हवाले, अल्लाह महफूज। तो ये लोग हैं, और जब इनका मामला करते हैं तो अपना फायदा जितना हुआ आगे वाले को जाकर बोलते हैं और झूठ कहते हैं कि भाई आजकल मार्केट जितना डाउन है आपकी जमीन की वैल्यू इतनी भी नहीं आती, फिर आप खरीद कर उससे डबल में बेचते हैं। ये कौन सी हक की और सच्चाई की बात है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इदा तबाया अल-बय्यान, जब दो खरीद फरोख्त करने वाले मिलते हैं और उसकी बुराई और खामी बयान करते हैं सौदे की और सच्चाई का साथ मामला होता है, बूरिक लहुमा फी बय्यिहिम, इनके सौदे में अल्लाह बरकत देता है। धोखा देकर उसको बुराई को छुपाते हैं और धोखा दही का मामला करते हैं, अल्लाह ताला बरकत को छीन कर राख कर देता है। तो ये हकीकत को जानना जरूरी है और एहसास करना हमारे और आपके अंदर कि अल्लाह सुब्हान व तआला का दीन मामलात से भी जुड़ा हुआ है, आखिरत की तस्दीक अपने मामलादारी उसको करती है। और आज भी आपको सबको दावत दी जाती है, जामियात सुमैया एक दीनी इल्मी इदारा है जो खवातीन के लिए तरबियत और तालीम इस्लामी माशरे के अंदर बहुत मेहनत जस्तजू हो रही है, मगर लॉकडाउन के बाद लोगों को बहाना मिल गया है खैरात करने से अपने हाथ रोकने के लिए। हालांकि रिज्क अल्लाह ताला सबको दे रहा है और सहाबा किराम तंग हालत में भी अल्लाह के राह में खर्च करते थे। तो आपका खर्च करना आपके ईमान की तस्दीक और जजा सजा के दिन की ईमान की पहचान है। उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम और आप इस इदारे को हमेशा मशाल राह को और तारीखी और तामीरते हुए आगे बढ़ाते हुए हमारा अपना सफ़ा और तआवुन जारी दिल खोल कर आता करें, जो आपके ही खाते में अल्लाह ताला आपको एवं में लौटा देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कहने से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु मा तस्मऊन वस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम लि वलकुम कुल्ल ज़म्बिन फस्तग़फिरूह इन्नहु हुवल ग़फूर रहीम। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وصلي وسلم على رسوله الكريم. أما بعد، إخواني في الله، ينبغي أن نكون في سلوكنا ومعاملاتنا مخلصين أوفياء، وأن نجبر القلوب الكثيرة، وأن لا نجرح المؤمنين في أعراضهم وفي أنسابهم وفي أوضاعهم. اليتيم يحسن إليه، المسكين يرحم، الفقير يعطى، هذه صفات المؤمنين في مجتمعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.